तो आपको तो आदत पड़ गई है, किसी चीज का इंजेक्शन लगेगा तो आप तो बिना बेरीज के बेरीज पे लगा लोगे। आदत पड़ती है क्या? God drunk off your life and I lost myself again. Good morning and welcome to Mr. Rishi Vlogs. और अभी मैं भी उठ चुकी हूँ और मम्मा भी उठ चुकी है और नानी भी सोई हुई है। तो मैं ना ऐसे ऐसे नहीं करती मैं कि मैं लेटते ही सो जाती हूँ, नहीं मैं पहले थोड़ी देर लेटती हूँ और फिर मम्मा से फ़ोन मांगती हूँ, फिर मुझे फ़ोन मिलता है और फिर फ़ोन देखती हूँ। और जब मम्मा लेट जाती है मम्मा से ना पूछती रहती हूँ कि बाबू उठ गया, बाबू उठ गया, बाबू उठ गया। जिस टाइम मम्मा ने हाँ कर दिया कि उठ गया, उस टाइम मैं बात करने के लिए बैठ जाती हूँ बिस्तर पे और इनसे बातें करते रहती हूँ। अब बाबू को भूख लगी, कोई बात नहीं, अभी मम्मा मिल्क पिएगी ना, दवाई डाल के वो पिएगी। अब बाबू कह रहा है मुझे वो कड़वा लगता है। बाबू ऐसे पी लेनी चाहिए दवाई, पी लेनी चाहिए है ना, अगर आप दवाई नहीं पियोगे तो कैसे हेल्दी बनोगे, है ना। तो आपको तो पीने पड़ेगा दूध, है ना। मैं भी जब छोटी थी ना दूध पीती थी, जब तक मैं 5 ईयर्स की नहीं हुई थी मैंने जब तक दूध पिया था, है ना। तो अभी पियो दूध, है ना, आपको भी तो पीना चाहिए, तभी तो हेल्दी बनेंगे, है ना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मौसम बड़ा सुहाना है, बहुत अच्छा मौसम है, सुबह से ही तो दिखाती हूँ मैं, बिल्कुल धूप नहीं है। बहुत अच्छा मौसम है आज, कभी कभी धूप आ जा रही है लेकिन मैं बैठ जाती हूँ पहले तो, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ और मैं थक गई हूँ और थकने के बाद हिम्मत नहीं होती कि मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाऊँ। गाइस यहाँ पे और ऐसा नाश्ता और निष्ठा को मैंने दूध और बिस्किट दे दिए थे, अब हम भी कुछ खा, अब हमारा फ्रूट्स टाइम है, इसका नाश्ते का टाइम है। सुनो देखते हैं उनसे थोड़े फ्रूट्स लेते हैं, यहाँ भी रखे हैं ग्रेप्स वगैरह, ग्रेप्स पपाया और ये सब, तो मैं सोचती ग्रेप्स ले लेती हूँ, ग्रेप्स खाती हूँ। और ऑरेंज, ऑरेंज पपाया नहीं चाहिए आपको, पपाया नहीं चाहिए, मैक्रोनी किसके लिए बनाई, तो तुम्हारी मैक्रोनी ऐसी कैसी हो जा रही है, चिपचिपी चिपचिपी सी, बेकार आटे की है, बंदे की बेकार है ये। तो गाइस किस किस की मैक्रोनी ऐसी हो जाती है, खाइए देखना, झंका ही बंद हो गया है, ये वैसी हो जाती है बेकार मैक्रोनी, बताते रहे ना बेकार मैक्रोनी है। तो गाइस शाम हो चुकी है और शाम से ज़्यादा ही था, और आज हम सोए भी नहीं थे, मैंने आपको बताया था हल्ला गुल्ला बस यही सब रहा। और अभी निष्ठा के डैडी भी आने वाले हैं, काफ़ी देर हो गई निकले हुए, यहाँ पे लगी हुई है सबसे डांट खा के, वहाँ हो रही है उस रूम में पूजा। 10 2 2 6 जा, नहीं आ रहा ना याद। तो गाइस अभी मैं निष्ठा को पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं इसको पता ही है आप लोगों को आते ही डेली पढ़ाता हूँ इसको मैं, और मैं आ गया था ऑफिस से नहा धो के मैं लेट गया हूँ, और अभी निष्ठा को मैं पढ़ा रहा हूँ 2 का टेबल। वैसे इसको आता था 2 से लेके 5 तक इसको टेबल आते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इतना यूज टू नहीं है पढ़ाई के, तो ये टेबल भूल गई है, तो अभी मैं इसको 2 का टेबल फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, तो 2 5 तक तो आ गया, 2 6 पे अटक गए, तो वही मैंने इसको देखो यहाँ पे दे रखा है लिख के टेबल, तो अभी इसको मैंने बोला याद करो टीशा फिर से, कल इसको याद हो गया था अब आज ये फिर से भूल गई, तो अभी फिर से इसको मैं याद कराता हूँ, पढ़ाता हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी खाना वाना तो नहीं खाया होगा अभी निष्ठा, नहीं खाया पनीर बनाया, पनीर बनाए, पनीर तो गाइस निष्ठा को पसंद नहीं है, अब मुझे भी इतना पसंद नहीं है, वो बने है। क्या पुए। मीठे पुए वो भी पसंद नहीं है मेरे को, निष्ठा को भी नहीं है, क्या करें यार निष्ठा ये पसंद का तो बनता ही नहीं है। मैंने पता आज ना मेरी फेवरेट टोमेटो की चटनी खाई थी। अच्छा चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक मैं निष्ठा को पढ़ा लेता हूँ। गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक हूँ बस। तबीयत ठीक है? हाँ। पक्का? तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरी तो। आप सुनाओ, आप कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। ऑफिस में कैसा रहा आज? वही नॉर्मल, जस्ट लाइक अदर डेज। बस आप ये बताओ कि कल डॉक्टर पे चलना है ना पहले? तो कल पहले डॉक्टर पे चलें, उसके बाद फिर घर चलें, सफाई जो भी करना है थोड़ा बहुत, फ्रिज वाले को और उसको बुलाना है ना। तो सुबह डॉक्टर पे चलना पड़ेगा ना, 10 बजे 10 बजे बैठता है डॉक्टर, स्टार्ट बैठ जाएगी 10 बजे। डॉक्टर को चलोगे तो डॉक्टर यार हमें तो इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन ही तो लगवाना है हमें। हाँ तो 10 बजे से खुलेगा ना क्लिनिक? तो हम वो उसको कब का टाइम दिया, उसको कब बुलाना चाहते हैं फ्रिज वाले? आप बताओ कब निकलना है यहाँ से डॉक्टर के पास? चलो 10-11 बजे। 11 नहीं, फिर 10-10 बजे। हाँ 10 बजे तक निकल लो फिर, कोई बात नहीं, ठीक है, है ना। तो फ्रेंड्स कल मेरा वैक्सीनेशन है, और वही हर वीकली जो होता है वो वैक्सीनेशन है। अब मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, बट लगवाने का जरूरी है क्योंकि बच्ची की सेफ्टी के लिए और मेरी सेफ्टी के लिए। हम देखते हैं, कल हमें घर भी जाना है, वहाँ भी बहुत काम है, रहने लायक बिल्कुल नहीं है। तो देखना है किस तरह से मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो खड़े खड़े मैं से कर सकूँ, बैठ सकूँ, ऐसी चीज़ें मैं कर दूँगी। बाकी तो काम वाली तो जब ही करेगी ना, जब डस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से घर बंद है तो इतनी मोटी डस्ट हुई पड़ी है। बस किसी चीज़ को हाथ लगा ही नहीं सकते, वरना आपका हाथ ही गंदा हो जाएगा, ऐसा हुआ पड़ा है। और तो कल मुझे पहले ये थोड़ा छोटा मोटा काम करना है, फिर मुझे काम वाली से बात करके जाना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा अगर आ रही है। वो बोलेगी नहीं मैं तो संडे आऊँगी, ये कुछ आऊँगी नहीं, तो फिर मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा क्या सीन रहता है। अभी वाटरमेलन कब लाओगे? लाऊंगी अभी, मैं तो 2-4 ये वाली गोली खाई है। थोड़ा रुकती हूं। कितना था ऑर्डर मेरा? दूसरी गोली कितना था? कितने किलो का ऑर्डर करा था हमने वाटरमेलन? वो होगा 3 किलो के आसपास। 3 किलो है? 3 किलो में से ये आधा खा गया था, डेढ़ किलो। दो बारी में ही, बस इसने दो बार खाया, उसमें ही आधा खा गया। एक कल खाया, कल खाया, कल ही कर दिया इसने आधा, तो आधा आधा हिस्सा तो कल ही कर दिया उसको। वो मैंने खाया छिलका ना, तो उसमें से आधा था वो ही निकली खाल खाल, छिलका छिलका निकला है ना, निकला था ना, खराब निकला होगा ना? नहीं, फेंक दिया होगा ना, कि मैंने आज थोड़ा सा चाखा ऊपर से चक्कू लगा के, मैं कहा चल अच्छा लग रहा है खा लू थोड़ा सा। कल मीठा नहीं लगा था, कल मैं कह रहा मीठा नहीं है, बेकार है, आज अच्छा लगने लग गया। फाउंडेशन लगा था, कल भी मीठा लगा था, कल तो कदम ही खा लिया था मैंने, तभी मीठा ही लगा होगा। आज ठंडा खाया था, आज अच्छा लग रहा था। तो अभी कितना बजा है? जितना डेली लाते हैं उतना ही है, उससे कम ही है? कम ही। दवाई खा लिया आपने अपनी? वो खाली लीवर की रह रही है। वो कब खाओगे? अब खाऊंगी बस उठ के। दो टाइम खा रहे हो? एक टाइम? दो। अच्छा सुनो डैडी, मम्मा की एक बात बताओ। मम्मा कह रही थी कि मम्मा का जो वो मिल्क वाला एक पाउडर है ना, वो खत्म होने वाला है। अब जी जाने के बाद ठीक है? किससे बोल रही थी ये चीज मम्मा? मम्मा आपसे? अच्छा गाइस से बोल रही थी। तो कल तो हमें जाना ही है ना, जाके ले आएंगे है ना? कल तो हमें जाना ही है क्लिनिक में। तो कल क्या है? इंजेक्शन मम्मा का। अच्छा वीकली? आज ठीक हुआ होगा? वीकली इंजेक्शन आज ही ठीक हुआ है, उसका दर्द तो अब कल फिर लग जाएगा है ना। ऐसे होता है तो आपको तो आदत पड़ गई होगी, अब आप किसी चीज का इंजेक्शन लगेगा तो आप तो बिना बेरीज के बेरीज पे लगा लोगे। आदत पड़ती है क्या? है ना, पड़े पड़ ही जाएगी। लगा लो, आदत पड़ती है क्या? हर हफ्ते सुई घुस रही है। एक ही जगह लगाते हो या जगह चेंज करते हो? ऐसी बात है क्या? आप ये बताओ ना, आदत पड़ेगी क्या इंजेक्शन लगवा लगवा के? हाँ बताओ क्यों? मैंने जब कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, पहले लगवाई मेरे को डर लगा, लगवा ली, फिर जब दूसरी बार ने कहा था मेरे को डर ही नहीं लगा, यूं आदत लग गया ना आगे। हो सकता है मेरे साथ तो यही जाने कभी नहीं होता। चलो हम जाके लेंगे। तो क्या बोल रहा था मैं निष्ठा के, कल क्लिनिक पे जाएंगे ना, तो तब वहां से लेके आ जाएंगे। अच्छा आपने बता दिया मेरे को। मम्मा तो बताती नहीं, मम्मा पता है कब बताती? जब वो खत्म हो जाता है ना बिल्कुल,
फिर बताती मम्मा रात में ऐसे के वो खत्म हो गया, आप कहीं से भी लाओ मुझे नहीं पता, ऐसे करती मम्मा है ना। और वो हर जगह मिल भी नहीं रहा है, मैंने एक दो जगह पता भी किया। टाइम से उठना सुबह, टाइम से उठना सुबह, ठीक है, टाइम से तो उठूंगी तो सही, और क्या, टाइम से, टाइम से चलेंगे फिर बाबू, टाइम से, ठीक है, सुबह सुबह के स्लॉट में चले जाएंगे बाबू, टाइम से उठना है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुन लो, टाइम से उठना है। तो गाइस इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अब सब बोलना, ठीक है, ठीक है, बेल बटन की घंटी घंटी, वोट फॉर मिस्टर जोशी व्लॉग व्लॉग। चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, अब हम आपको मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बहुत अच्छे से सब्सक्राइब, बाय एंड गुड नाइट एंड शूटिंग, बाय बाय। Thank you.